जाप जीतेगा आप जीतेंगे, पप्पू भैया का वादा, विकास का इरादा। बिहार दैनिक समाचार सुपर फास्ट में मैं प्रीतम कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। बिहार दैनिक समाचार सुपर फास्ट में देखेंगे बिहार व देश विदेश की 20 बड़ी खबरें, लेकिन उससे पहले कोरोना अपडेट। पूरी दुनिया में कोरोना संक्रमितों की कुल संख्या 4,54,00,000, वहीं मरने वालों का आंकड़ा 11,88,000 को किया पार। भारत में कोरोना संक्रमितों की कुल संख्या 80,89,000, वहीं मरने वालों का आंकड़ा 1,21,000 को किया पार। बिहार में 1,018 नए संक्रमितों की पहचान हुई। इस तरह बिहार में कोरोना के सक्रिय मामलों की संख्या बढ़कर 9,602 हो गई। केरल में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 6,638 नए मामले मिले। इस तरह संक्रमित मरीजों की संख्या 7,928 हो गई। आंध्र प्रदेश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 2,886 नए मामले मिले हैं। इस तरह मरीजों की संख्या बढ़कर 8,20,565 हो गई। गुजरात के केवड़िया में पीएम मोदी के दौरे से पहले 23 पुलिसकर्मी कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। दिल्ली के बवाना मुठभेड़ में पुलिस ने एक बदमाश को गिरफ्तार कर लिया है। चुनाव आयोग ने मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कमलनाथ का नाम स्टार प्रचारकों से हटा दिया है। पुणे में 15 वर्षीय एक लड़की के अपहरण और गैंगरेप के मामले में 2 युवक की गिरफ्तारी हुई है। माता वैष्णो देवी मंदिर जाने वाले श्रद्धालुओं की सीमा प्रतिदिन 7,000 से बढ़ाकर 15,000 की गई है। जेपी नड्डा ने कहा है कि तेजस्वी ने पोस्टर से माता पिता का फोटो हटा दिया, इसके लिए बिहार की जनता से माफी क्यों नहीं मांगते। उत्तर प्रदेश के गाजीपुर से सांसद अफजाल अंसारी की पत्नी फरहत अंसारी पर अवैध संपत्ति मामले में FIR दर्ज की गई है। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा है कि यह आशा सुरक्षा और विकास का चुनाव है। एम्स के निदेशक रणदीप गुलेरिया ने कहा है कि कोरोना को लेकर अगले कुछ हफ्ते बेहद अहम हैं, त्योहारी सीजन में लोगों को ध्यान देने की जरूरत है। योग गुरु रामदेव ने कहा है कि मजहबी कट्टरता की अनुमति किसी को नहीं मिलनी चाहिए। बंगाल के बीरभूम में नाबालिग की पुलिस हिरासत में मौत हो गई, इस मामले को लेकर लोगों ने जमकर विरोध प्रदर्शन किया। एम्स निदेशक रणदीप गुलेरिया ने कहा है कि प्रदूषण बढ़ने के साथ ही कोरोना के केस भी बढ़ सकते हैं। शुक्रवार को सैंडिस मैदान में भागलपुर विधानसभा क्षेत्र से लोजपा प्रत्याशी राजेश वर्मा के समर्थन में चिराग पासवान ने कहा है कि नीतीश कुमार अगले 10 नवंबर तक के लिए ही CM हैं। बिहार में हो रहे विधानसभा चुनाव में इस बार भाजपा सबसे अधिक बागियों की बगावत से परेशान है। अब तक पार्टी ने मुख्यालय स्तर पर 43 नेताओं को बाहर का रास्ता दिखाया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के 7 निश्चय से जुड़े ड्रीम प्रोजेक्ट नल जल योजना में आयकर विभाग ने कार्रवाई की है। कार्रवाई के बाद सत्तारूढ़ भाजपा ने भी योजना की जांच को जरूरी बताते हुए कहा है कि इनके दोषियों को ढूंढकर कार्रवाई की जाएगी। तेजस्वी यादव ने कहा है कि हमारी सरकार बनी तो पढ़ाई, कमाई, दवाई, सिंचाई और सुनवाई वाली सरकार होगी। हम हर जाति और धर्म के लोगों को साथ लेकर चलूंगा। मुंगेर हिंसा को लेकर कांग्रेस प्रतिनिधि मंडल ने शुक्रवार को राज्यपाल से मुलाकात कर कहा है कि मुंगेर में गोली पुलिस ने ही चलाई थी। इस मामले को लेकर बिहार सरकार को बर्खास्त करने की मांग की है। बिहार में चुनावी माहौल के बीच गुरुवार को आयकर विभाग की टीम ने करोड़ों रुपये नकदी, ज्वेलरी और करोड़ों की संपत्ति के दस्तावेज जब्त किए हैं। राजद सांसद मनोज झा और कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता पवन खेरा ने शनिवार को कहा है कि तेजस्वी यादव और राहुल गांधी ने बिहार के युवाओं और जनता के साथ मिलकर चुनावी एजेंडा सेट कर दिया है। यह सकारात्मक एजेंडा केंद्र और राज्य के मौजूदा सरकारों को बेचैन करने वाला है। पश्चिमी चंपारण के वाल्मीकि नगर में चुनावी जनसभा में नीतीश कुमार ने कहा है कि हम तो चाहेंगे कि जितनी आबादी है उसके हिसाब से आरक्षण का प्रावधान होना चाहिए। दूसरे चरण के चुनाव में कांग्रेस को अपनी जीती हुई सीटों को बचाना बड़ी चुनौती होगी। पिछले चुनाव में जीती कांग्रेस की दूसरे चरण की 3 सीटें वाम दलों को चली गई है। जो सीटें उसके पास है उन पर टक्कर भाजपा उम्मीदवारों से है।
सीतामढ़ी के बेलसंड में नीतीश कुमार ने चुनावी सभा में कहा है कि पहले बाढ़ के समय में सीतामढ़ी देश से अलग हो जाता था, हमने यहां पुल बनाए और मुश्किलें कम कर दी, अब सीतामढ़ी में मेडिकल कॉलेज बन रहा है। खगड़िया के प्रवक्ता में नीतीश कुमार ने कहा है कि लालू राबड़ी के शासनकाल में रोजगार मात्र 95,000 लोगों को मिला, जबकि हमने 6,00,000 लोगों को रोजगार दिया। तेजस्वी यादव ने अपनी रैली में सुरक्षा को लेकर इंतजाम पर कहा कि इस पर मुझे ज्यादा कुछ नहीं कहना है, लेकिन प्रशासन और आयोग को पूरा मामला देखना चाहिए। मुंगेर में हिंसा के मामले में CISF की रिपोर्ट में कहा गया है कि 26 अक्टूबर को पुलिस ने ही गोली चलाई थी। मिथिलांचल का सिद्धपीठ माना जाने वाला वानेश्वरी स्थान इन दिनों श्रद्धा एवं आस्था का केंद्र बना हुआ है, यहां वर्ष भर अपनी मनोकामना पूर्ण होने वाले भक्तों का आगमन होता रहता है। दिल्ली विश्वविद्यालय के राजनीतिक विज्ञान विभाग और DU के ही विकासशील राज्य शोध केंद्र द्वारा मिलकर बिहार विधानसभा चुनाव परिणाम को लेकर ऑनलाइन सर्वे किया जा रहा है। यह सर्वे विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रम स्टेट पॉलिटिक्स इन इंडिया का हिस्सा है। बिहार का मुंगेर शहर गुरुवार को 5 घंटे तक अशांत रहा, पथराव और आगजनी के बीच अमन पसंद लोग घरों में सिमटे रहे, पुलिस भी कई बार बैकफुट पर नजर आई। तो इसी के साथ बिहार दैनिक समाचार सुपर फास्ट का यह अंक यहीं पर समाप्त होता है। bihardainik.com पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। YouTube के अलावे आप हमारी खबरों को Twitter, Facebook और Instagram पर भी पढ़ सकते हैं। कल मिलेंगे बिहार दैनिक समाचार सुपर फास्ट में, तब तक के लिए प्रीतम कुमार को दीजिए इजाजत, नमस्कार।